देहरादून में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत के बाद से ही राजनीति तेज हो गई है। जहां एक तरफ पुलिस इस मामले में आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, तो वहीं सरकार ने सख्ती के साथ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि आरोपी बचना नहीं चाहिए। वहीं कांग्रेस इस मामले में सरकार और आबकारी विभाग को घेरने में जुटी हुई है। लाइव उत्तराखंड के लिए देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों में एक बहुत ही शर्मनाक घटना जो मुख्यमंत्री आवास के कुछ कदमों दूर पे ही हुई है, उसके विरोध, जिसमें कि जहरीली शराब पीने से कुछ लोग हम मारे गए, तो उसके विरोध में आज युवा कांग्रेस द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। जिस प्रकार से हमने देखा है कि आबकारी विभाग और जो प्रदेश सरकार है वो कितनी उदासीन है, उसको बिल्कुल ही कोई परवाह नहीं है कि जहरीली शराब से हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में इतने लोग मर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। इससे पहले भी आपने देखा रुड़की में भी कई लोग और टिहरी जिले में भी कई लोग जहरीली शराब के पीने से मर गए, और अब तो हद हो गई कि जो राजधानी का जो बिल्कुल बीच इलाका है, इन बीचों बीच इस इलाके में भी जो जहरीली शराब का कारोबार, जो माफिया लोग जहरीली शराब का धंधा कर रहे हैं, उसमें भी पुलिस प्रशासन और जो आबकारी विभाग और सरकार की बिल्कुल कोई नजर नहीं है, और वो धंधा फल फूल रहा है। और जो जितने भी शराब माफिया हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार से ताल्लुक रखते हैं और भाजपा सरकार की शह में ही वो ये काम कर रहे हैं। और हमने जिस प्रकार से देखा है कि इस प्रकरण में जो भाजपा सरकार में जो उनके मंडल उपाध्यक्ष हैं, जो जिनका इसमें नाम आ रहा है, और भाजपा को शर्म करनी चाहिए, अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, पुलिस ने अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं करा है, तो इससे साफ प्रतीत होता है कि इस पूरे प्रकरण में प्रदेश सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन, आबकारी विभाग, सब कुछ पूरा सिस्टम मिला हुआ है और जो आम लोगों को है उनकी जान के साथ खतरा कर रहा है। तो आज यूथ कांग्रेस ने इसी के उसमें यहाँ पे हमने धरना दिया है कि जितने भी आबकारी जो जिला आबकारी अधिकारी हैं और जितने भी इंस्पेक्टर हैं, इनको तुरंत प्रभाव से इनको हटाया जाए। और इन्होंने शहर में ऐसा जाल बिछा रखा है कि हर जितने भी जो जहाँ पे सरकार ने ठेके निर्धारित कर गए उसके जो आसपास की कॉलोनियां हैं वहाँ पे सरकार शराब, ये जो शराब माफिया है वो शराब काटने का काम कर रहे हैं, आबकारी जो अधिकारी है इनके मिली भगत से। तो हमारा आज ये धरना एक सांकेतिक धरना है, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, इन जो दोषी अधिकारी, इन अधिकारी को नहीं हटाया गया, तो आने वाले टाइम पे जो विधानसभा सत्र होगा, यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश से, यूथ कांग्रेस के साथ ही आगे विधानसभा घेराव भी करेगी। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।